लास्ट में हमने क्या किया था, आर्टिकल 16 कवर हो गया था शायद। तो 16 के अंदर 16-4 रिजर्वेशन तक पहुंच गए थे ना, और यहाँ पे एक केस आ गया था हमारा, कौन सा, नागराजनवाद एक था और एक था इंदिरा सानी केस ना। ये दो इम्पोर्टेंट केस हैं। इंदिरा सानी केस के बारे में तो आपने सुना भी होगा, रिजर्वेशन से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट केस रहता है ये, ठीक है। और नागराजनवाद भी इम्पोर्टेंट है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम वन। नागराजनवाद में थोड़ा सा अलग तरीके से केस को पढ़ते हैं, और इंदिरा सानी वाला जो केस है ये एक तो 50% रिजर्वेशन वाला केस है, तो मतलब रिजर्वेशन से मान लो, और 16th जो है आपका आर्टिकल उससे रिलेटेड आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये दोनों याद रखना है आपको, और दूसरा तो नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो केसेस पे हल्का फुल्का हमने बात किया था। अभी सीडीएस के एग्जाम में के एस पुट्टास्वामी केस के बारे में आया भी था क्वेश्चन कि ये आपका राइट टू लाइफ वाले केस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन था, और डायरेक्टली उसमें केस कौन सा एसोसिएटेड है ये पूछा हुआ था। वैसे अगर डायरेक्ट केस आता है तो दिस इज ईजी वन, तो उसको आप आराम से टैकल कर सकते हो। जब भी आपके डायरेक्ट केस पूछे जाएंगे ना, तो आप सीधे सीधे उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कुछ केसेस और इम्पोर्टेंट होंगे जो आर्टिकल्स के साथ साथ आएंगे, तो मैं आपको वो वहीं पे करा दूंगा आर्टिकल्स के साथ ही। तो केसेस के लिए अलग से बनाना चाहो अलग से भी बना सकते हो, नहीं तो जो चल रहे हैं उसी के साथ भी फॉलो ऑन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो आर्टिकल 16 तक हमने पूरा कर लिया था, और ये बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दो केस इसके अंदर आ गए थे। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। आर्टिकल 16 के बाद मैं डिस्कस विद द आर्टिकल 17, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी, उन आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा स्मॉलर वे में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, ठीक है। आर्टिकल 17 आपकी बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन का एबोलिशन करता है, या बहुत ही क्लियरली अगर हम अनुच्छेद 17 को कहेंगे तो ये छुआछूत का भेद मना करता है, छुआछूत को। अब इस पे थोड़ा सा अगर हम डीपर बात करें कि ये है क्या, तो सबसे पहले तो ये कहेगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको बोलते हैं छुआछूत के लिए मना करता है ये, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एबोलिशन अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। अनटचेबिलिटी का मतलब था छुआछूत, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल क्वेश्चन आएगा कि छुआछूत क्या होती है। इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। छुआछूत क्या है, इसके लिए अलग से ऐसा कोई परिभाषित नहीं किया गया है इसको, कि भैया इसको छुआछूत बोलेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मतलब ये जरूर है कि कुछ एग्जाम्पल्स जरूर इसके दिए हुए हैं, और वो एग्जाम्पल्स भी कि इसको छुआछूत बोलेंगे वो कहाँ दिए गए हैं, तो वो आपका दिए गए हैं छुआछूत प्रतिषिद्ध अधिनियम 1976 के अंदर, उसमें दिए गए हैं। इसको बोलते हैं छुआछूत प्रतिषिद्ध अधिनियम, ठीक है। एबोलिशन के लिए जो एक्ट बनाया गया था, ठीक है, उसके अंदर दिए गए हैं 1976, सिविल सरकार संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, मतलब फिर नाम दिया गया, और 1989 का SC ST एक्ट जो है वो भी आप कह सकते हो, 1976, ठीक है। और 1989 का क्या है आपका, 1989 का क्या है, SC ST एक्ट, जिसको एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं ना, SC ST एक्ट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको परिभाषित किया गया है एज अ साइबर क्राइम, सॉरी साइबर क्राइम, एज अ SC ST के अगेंस्ट किया जाने वाला काम, जिसको हम कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब मतलब डिफाइन तो क्या है, एग्जाम्पल दे दिए हैं, और वहीं से हम समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये एबोल्यूशन या टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी होती होगी करके। क्लियरली ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए,
अब दूसरी चीज क्या है कि जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि इस पे लिखा गया है सीधे सीधे कि छुआछूत प्रतिबंधित है। ठीक है, सीधे क्या लिखा गया है, छुआछूत क्या है, प्रतिबंधित है। अब ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17, ये बड़ा यूनिक है अपने आप। ठीक है, इसी के अंदर क्योंकि ये लिखा गया है साफ साफ शब्दों में कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, और इस दंडनीय अपराध के लिए दंड की घोषणा भी कर दी गई है, यहाँ पर अलग से एक एक्ट बना के इसके लिए जो पार्लियामेंट है उसको बोला गया था कि आप इसके लिए क्या करो, एक अलग से कानून बनाओ। ठीक है, ये एक दंडनीय अपराध है। अब ये विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि और किसी भी आर्टिकल के लिए जो कि संविधान में लिखे गए हैं वहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसके लिए सजा उनका होगा या सजा का प्रावधान होगा। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, सजा का प्रावधान वगैरह सब जो है वो बाद में आता है। ऐसा एक दंडनीय अपराध वाला जो सेंस है वो किसी और जगह नहीं लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ किसको दंडनीय अपराध बोला गया है, अनटचेबिलिटी को। ठीक है, आर्टिकल 17 में इतना ही है जितना आपको याद रखना है, दिस इज एन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखना कि ये निरपेक्ष है, इसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है, सीधा सीधा इफ एनी वन इज फॉलोइंग अनटचेबिलिटी तो मतलब वो क्या कर रहा है, एक दंडनीय अपराध कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट विल गिव द पनिशमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, कोई इफ एंड बट इसके लिए नहीं है, सीधे सीधे अनटचेबिलिटी को क्या बोला गया है, अपराध बोला गया है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द आर्टिकल 18, ये निरपेक्ष है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा पनिशमेंट है और कुछ नहीं लिखा गया। आर्टिकल 18 आपका कहता है विशेषाधिकारों का अंत, इसको मैं थोड़ा सा विशेषाधिकारों का अंत बोलूंगा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करके भी आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड विशेष अधिकारों का अंत। आर्टिकल 18 आपके विशेषाधिकारों को छीन लेता है। तो सर ये विशेषाधिकार क्या होते हैं, दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड, क्या विशेषाधिकार हैं, क्या हैं, किसको कहेंगे, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। बस क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो उपाधियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। नॉर्मली इसको हम कई बार लिख देते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स या फिर उपाधियों का अंत इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या लाइनें हैं वन बाय वन समझते हैं। उपाधियों के अंत में पहला तो ये लिखा गया है कि जो राज्य है आपका, अगेन आई एम सेइंग राज्य क्या है, वही जो आर्टिकल 12 में लिखा गया है, तो राज्य जो है वो किसी को भी उपाधियां नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, कोई उपाधि नहीं दे सकता, किसी को राजा सर महाराजा नहीं कह सकता, तो उपाधि नहीं दे सकता राज्य, यानी कि आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी उपाधि नहीं दे सकती। अब ये कोई भी के अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं दो, राज्य अगर चाहे तो आपको एक तो शैक्षिक उपाधि दे सकता है, जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर, शैक्षिक उपाधि दे सकता है, और सैनिकों को उनकी सैन्य उपाधियां भी दे सकता है, जैसे कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर वगैरह लगाते हैं ना, तो ये दो उपाधियां अलाउड है। कौन सी, एक तो शैक्षिक उपाधि और एक सैनिक वाली उपाधि, उनकी आर्म्ड फोर्सेस की जो उपाधियां हैं वो दी जा सकती है। अच्छा, और क्या क्या लिखा हुआ है, अब सुनते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो क्या, राज्य उपाधि नहीं दे सकता। दूसरी चीज, इंडियन सिटीजन, मान लेते हैं कोई इंडियन सिटीजन है, जैसे कि आप ही हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन, और आप जो है वो कहीं विदेश में घूमने गए, आपने वहां बहुत बढ़िया काम किया और आपको विदेशी राज्य ने उपाधि दे दी। ठीक है, किसी विदेशी राज्य ने आपको उपाधि दी, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी फॉरेन कंट्री ने आपको क्या दे दी, उपाधि दे दी। ठीक है, विदेशी राज्य ने उपाधि दे दिया। तो आपको क्या, विदेशी राज्य ने उपाधि दे दी, किसी विदेशी राज्य ने उपाधि दी। ठीक है, और इस विदेशी राज्य ने आपको, मान लो आप ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में आपके आगे सर लगा दिया उसने, आपका नाम लेकर के सर बोल दिया आपको, और वो उपाधि लेकर के आप इंडिया आ गए। ठीक है, तो ये उपाधि आपकी निरस्त मान दी जाएगी। दैट इज सिंपली हम कहते हैं किसी भी विदेशी राज्य के द्वारा इंडियन सिटीजन को उपाधि नहीं दी जा सकती। कोई विदेशी राज्य किसी भी भारतीय नागरिक को उपाधि नहीं दे सकता। सिंपल, कोई भी विदेशी राज्य भारतीय नागरिक को उपाधि नहीं दे सकता।
ठीक है। तो कोई भी विदेशी राज्य फॉरेन कंट्री आपको उपाधि नहीं दे सकती है, ठीक है ना। और क्या लिखा है सर, दो चीजें क्लियर है ना, एक तो भारत जो है, भारत का राज्य, कोई राज्य सरकार कोई भी आपको उपाधि नहीं दे सकती, दूसरा आप कहीं विदेशों में गए तो वो विदेशी राज्य भी आपको उपाधि नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा तीसरा पॉइंट सुनो, मान लेते हैं कि कोई भारतीय नागरिक नहीं है, क्या ना, मान लेते हैं कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन ये आदमी स्टेट के अंदर काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एमएनसी या किसी भी ऐसी जगह पे क्या कर रहा है, वर्किंग है, ठीक है, किसी स्टेट के अंतर्गत लाभ के पद पर होना कहते हैं इसको, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर है, ठीक है, स्टेट ऑफ प्रॉफिट किसी लाभ के पद पर है, ठीक है, लाभ के पद पर है। तो सर ये लाभ के पद पर अगर है तो क्या ये उपाधि ले सकता है, तो हाँ, या लाभ के पद पर ही क्या, अगर किसी ट्रस्ट में है तब भी सेम लिखा गया है, अगर वो किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है तब भी, तो क्या सर ये उपाधि ले सकता है, तो हाँ उपाधि तो ये ले सकता है विदेशों से, इंडियन गवर्नमेंट से ले सकता है, नहीं लिखा है राज्य उपाधि नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता भारतीय गवर्नमेंट, तो क्या सर ये विदेशों से ले सकता है, तो देखो विदेशों से लेने के केस में ये आदमी उपाधि तो ले सकता है, अगर इसको कोई टाइटल मिलेगा तो ये उपाधि ले सकता है, आराम से ले सकता है, पर इसके लिए इसको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये उपाधि ले सकता है पर ये उपाधि लेने के लिए क्या होगा पता है, इसको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, इसको राष्ट्रपति महोदय से, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे सहमति लेनी होगी कि सर मैं ऐसे लेना चाह रहा हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है बाहर विदेश वाली, तो क्या मैं ले सकता हूँ, तो राष्ट्रपति महोदय सहमति दे देंगे तो ले लेगा, नहीं तो नहीं ले सकता, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अगर कहते हैं कि उपाधि ले लो तो ठीक है, नहीं तो ये उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा क्या कोई उपलब्धि पद है या कोई गिफ्ट वगैरह है ऐसा कोई ले सकता है, तो अगर कोई आदमी है जो ऐसे लाभ के पद पर बैठा हुआ है या ट्रस्ट का है, तो वो भी उपलब्धि, कोई पोस्ट या फिर कोई ट्रॉफी वगैरह, कोई इनाम, कोई गिफ्ट, ये भी राष्ट्रपति की जो आपकी इच्छा है, परमिशन है, उसके बाद ही ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा सर अवार्ड का क्या होता है, फिर भारत सरकार अवार्ड भी तो देती है ना, अवार्ड्स के बारे में क्या लिखा गया है, इसी के अंदर आपके अवार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र आता है। जो अवार्ड्स हैं, इन अवार्ड्स में ये कहा गया है कि अगर उत्कृष्टता से संबंधित कोई चीज है, किसी ने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है, उत्कृष्टता दिखाई हुई है, तो उस उत्कृष्टता के लिए, ने बहुत ही जबरदस्त समाज सेवा करी हो तो उस समाज सेवा के लिए, और उसके अलावा लोकतांत्रिक शासन में उसने कोई योगदान दिया हो डेमोक्रेसी में, तो इसके लिए उसको अवार्ड मिल सकता है। जैसे कि भारत रत्न के बारे में आपको पता है ना, भारत रत्न मिल सकता है, इस बार क्वेश्चन भी था भारत रत्न से, तो भारत रत्न दिया तो जा सकता है, पर जैसे यूज करते हैं लोग भारत रत्न ये नाम के आगे लगा देते हैं ना, या फिर बाकी के अवार्ड्स भी ऐसे ही तो लगा देते हैं नाम के आगे, वो नहीं लगा सकते, ठीक है, वो लगाना इज नॉट लीगल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी आपको ये चीजें मिली हैं, इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, नाम के साथ, जैसे हम कह देते हैं ना भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बट सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे ऐसे भारत रत्न जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भारत रत्न मिला है, उनको ऑनर मिला है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया है, बट उसके बाद भी वो क्या नहीं कर सकते, इस तरीके का कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अवार्ड दिया जा सकता है, भारत सरकार अवार्ड दे सकती है, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप अपने नाम के आगे। तो क्या सर जो ये दो उपाधियां, जो दो अलग से व्यवस्थाएं दी गई हैं, एक तो आपकी एजुकेशन वाली और एक आपकी मिलिट्री वाली, क्या सर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा ना, नाम के साथ लगाते हैं, अपनी रैंक यूज करते हैं, या डॉक्टर तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा, जो डॉक्टर वगैरह, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है,
ठीक है, इसमें कोई खास इश्यू नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर। चलिए तो ये आपका आर्टिकल 18 है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है डायरेक्टली कि ये उपाधि जो है आपकी, जो भी आपको टाइटल्स मिले हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और अगर किसी को ऑलरेडी मिली हुई उपाधियां हैं, पहले से किसी को मिली हुई है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा या उनको नहीं माना जाएगा। क्योंकि पहले क्या था ना, बहुत ज्यादा राजा रजवाड़े हुआ करते थे इंडिया में। अब ज्यादा राजा रजवाड़े होने पर क्या दिक्कत है कि फिर उन्हीं की चलती रहेगी या फिर वो सुपीरियर रहेंगे, तो फिर इक्वालिटी कैसे आएगी। ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए क्या किया गया, ये जो दो चीजें हैं इनको यूज किया गया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक केस का नाम याद रखिएगा, बालाजी राघवन केस जो है उसका संबंध माना जाता है आपका आर्टिकल 18 के साथ। ठीक है, तो बालाजी राघवन केस करके आप याद रख सकते हैं, सिंपल केस का नाम। तो मैं केस लिख देता हूँ, केस रिलेटेड विद आर्टिकल 18, केस रिलेटेड विद आर्टिकल 18 इज बालाजी केस। इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, मतलब ऐसे जो जो केस जहाँ जहाँ पे आते रहेंगे ना, एक तो नाम आपको वहाँ पे बताते रहूँगा, तो आप वहाँ पर से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, बालाजी राघवन केस, ये बेसिकली बालाजी राघवन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं इसको, भारत रत्न रिलेटेड है वर्सेस क्या, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस इसको कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 से इसका रिलेशन है बालाजी राघवन केस। ठीक है, वैसे ये पूरा एसपी आनंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी आता है 1995 का, बट जो भी है मतलब आर्टिकल 18 के अंदर जो केस हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बालाजी राघवन केस। ठीक है, तो इसको ऐसे करके भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है मतलब। ठीक है, तो अगर केस के बारे में पूछा हुआ है तो जस्ट राइट द नेम कि जो केस था बालाजी राघवन केस जो है उसका संबंध किससे है, या आर्टिकल 18 से संबंधित कोई केस निम्न में से कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कि कौन सा है, बालाजी राघवन केस है। ठीक है, और ये बालाजी राघवन केस जो है ये कब का है, ये है आपका 1996 का, ये भी याद कर लेना, बालाजी राघवन केस 1996 के अंदर ये केस हुआ था। ठीक है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और कोर्ट ने इसमें कहा था कि जैसे जो नेशनल अवार्ड होते हैं हमारे, ठीक है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 18 के अंदर, तो उनके लिए गाइडलाइंस जो है उसके बारे में पूछा था, ये भैया बहुत ही आपकी रिस्पेक्टेड वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए गाइडलाइंस वगैरह जो है वो थोड़ी सी बनाई जानी चाहिए अलग अलग, उसके रिलेटेड आपका ये पूरा का पूरा था। भारत रत्न केस भी कहते हैं इसको कई बार। ठीक है, पूरा केस वगैरह आप पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे भी आपको ये केस मिल जाएगा, वहां से आप इस केस की डिटेल्स भी ले सकते हैं। इट वॉज इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है, 1996-95 का केस है, 1994 में आया था आई थिंक, साइटेशन था 1996 में, 1995 कर लेना इसको, क्योंकि इसका डेट दिसंबर 1995 के आसपास में इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, साइटेशन आई थी 1996 में, तो वैसे याद रख लेना कि यही था। ठीक है, और साइटेशन ये जो केस डाला था ये आपका आर्टिकल 226 के अंदर था। ठीक है, मतलब एक रिट डाली थी, रिट मेंडेमस जिसको हम कहते हैं, वो रिट इसके अंदर गई थी, और उसमें पूछा था कि नेशनल अवार्ड वगैरह के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ये केस वैसे कहाँ से था, केरला हाई कोर्ट से था, फिर वहां से ये सुप्रीम कोर्ट गया था, और फिर वहां से क्या है डिसीजन वगैरह इस पे दिए गए थे। ठीक हो गया, चलो तो ये नॉर्मली भारत रत्न केस करके भी जानते हैं, वहां से याद कर लेना इसको। क्लियर, चलिए तो ये आपका आर्टिकल 18 से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा देखो भारत रत्न को, इस बार भारत रत्न से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो भारत रत्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, और भारत रत्न कब से शुरू हुए, कैसे हुए, इसके बारे में था। मतलब क्वेश्चन इजी था, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो भी सॉल्व हो जाने वाला था वो। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बहुत आसान सा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत रत्न की जो शुरुआत है वो कुछ 1976 थी, या उसके बाद कुछ ऐसे दिया हुआ था। लेकिन अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि भारत रत्न की शुरुआत इतनी लेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो है इनको भी भारत रत्न मिला था, और जिंदा रहते ही मिला था। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है भारत रत्न काफी पहले शुरू हुआ होगा। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखना। काफी नई नई चीजें भारत रत्न से रिलेटेड आपको मिलेंगी। पहले तो
अभी का 2024 के अंदर भारत रत्न 2024 के लिए भी घोषणा हुई है ना, उनमें से कुछ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक नाम तो कौन है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, काफी चर्चा में रहे इस बार। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के लिए अलग से नाम कौन सा आता है, जन नायक भी आता है, ठीक है। ओबीसी आंदोलन जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, उनमें इनकी बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका रही थी और दो बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। और एक कर्पूरी ठाकुर के अलावा कौन, एम एस मनकोम्बू सम्मा शिवन स्वामीनाथन, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। ये क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे, है ना। इन्होंने गेहूं चावल इसके लिए काफी काम किया था, और इससे पहले इनको एम एस स्वामीनाथन को क्या रेमन मैक्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल गया है, और इनको वैसे एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार जो है वो भी मिला था, और इससे पहले इनको पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण तीनों मिल गए, ठीक है। पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण तीनों इनको मिले, ठीक है। फिर एक आपके हो गए क्या, पी वी नरसिम्हा राव, पी वी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है इनको भी मिला है, इनको बेसिकली क्या कहते हैं, जो वुमन रिजर्वेशन है इन पंचायती राज, ठीक है, उसके लिए मिला था, 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम कहते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी, जैसे आपका इसराइल है, इसराइल के साथ जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे उनकी शुरुआत करने के लिए इन्हीं की पॉलिसीज को जो है वो माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है और चौधरी चरण सिंह, इनके नाम पहले ही घोषित हो गए थे, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इनके नाम की घोषणा पहले कर दी गई थी, और एक आपका चौधरी चरण सिंह, इनके नाम की घोषणा भी पहले कर दी गई थी। ये दो नाम, लाल कृष्ण आडवाणी आपको बताइए, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के और भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो गए, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ आप क्या कह सकते हो, महात्मा गांधी वाली आइडियोलॉजी के या गांधीयन आइडियोलॉजी के हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब सुनो ध्यान से, जो गाइडलाइंस बनाई गई भारत रत्न के लिए, गाइडलाइंस, वो भारत रत्न गाइडलाइंस में लिखा है एक बार में मैक्सिमम आप 3 लोगों को दे सकते हो ना, यहाँ पर आप कितने लोग देख रहे हो, 5, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार 5 को दिया गया है और गाइडलाइन में कितना लिखा है, मैक्सिमम 3 लोगों को आप दे सकते हो, मैक्सिमम 3, बट ये मैक्सिमम 3 गाइडलाइंस में है और इसको चेंज किया जा सकता है। तो 1999 में भी इसको ब्रेक किया गया था, ठीक है, यहाँ 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। 1999 में एक तो जयप्रकाश नारायण हो गए, फिर आपका एक अमर्त्य सेन जो है उनको दिया गया था, ठीक है, अमर्त्य सेन को दिया गया था, और उसके अलावा आपको गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर इनको दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे जो भारत रत्न या उपाधियां हैं ये आपके आर्टिकल 18(1) में आती है, अभी बताया ना मैंने आर्टिकल, तो आर्टिकल 18(1) के अंदर इससे संबंधित उपाधियां हैं। और जो भारत रत्न अवार्ड है इसका आपने डायग्राम वगैरह देखा होगा कैसा बना होता है, क्या होता है, अगर कैसा पत्ता जैसा होता है एंड उसके अंदर ही प्लेस किया जाता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है, मैं आपको भी दिखा दूंगा, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, ठीक है। और स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1954 से हुई थी, इजी वन, ये तो याद होगा आपको, नहीं है तो याद कर लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बार तो पूछा ही था ये, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ दिया था कि शुरुआत कब से हुई थी, तो इट्स 1954, 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक जीवन ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में इसको देते हैं, और 2011 के अंदर इसमें एक और नया वो ऐड किया गया था,
2011 के बाद से मानव प्रयास का कोई भी अगर क्षेत्र होता है उसके लिए भी जो है वो दी जाती है। सिफारिश कौन करता है इसके लिए? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट एडवाइस मतलब हो गया जिसको प्रधानमंत्री जी या मंत्रिमंडल चुन लेगा वही उसी को मिलेगा भारत रत्न, ये मतलब होता है। ठीक है, क्या मिलता है इसमें? एक तो प्रमाण पत्र मिलता है, एक ऐसा पत्ता होता है, पत्ता किसका होता है? पीपल का। उस पीपल के पत्ते के ऐसे बीच में गोल शेप बना होगा, नीचे भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि रुपया कितना मिलता है, जिसको भारत रत्न मिलता है उसको कितने रुपए मिलते हैं? जीरो। कोई भी नकद इसके अंदर नहीं मिलता है, कैश नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नो मनी इज अवॉर्डेड इन भारत रत्न, भारत रत्न ही क्या किसी में भी। ठीक है, जो तीन सिविलियन अवार्ड्स है ना, ठीक है, उनमें भी आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है ना, और वरीयता का क्रम अगर आप देखोगे, वरीयता का क्रम मतलब होता है कि जो वारंट प्रेसिडेंट कहते हैं, वारंट प्रेसिडेंट मतलब टॉप से बॉटम की तरफ सबसे पहले कौन बैठेगा? राष्ट्रपति। तो वहां से अगर आप देखोगे तो लिख देता हूँ अभी, वैसे तो पूछने के चांसेस कम है, बट कभी अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वरीयता का क्रम क्या होता है भारत में, मतलब अगर बहुत सारे लोग एक साथ हो तो चेयर कैसे लगेगी, वारंट प्रेसिडेंट कहते हैं इसको, सबसे पहले कौन बैठेगा उसके बाद कौन बैठेगा, ये है। ठीक है, जैसे सबसे पहला नंबर किसका आएगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो होंगे उनका आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आएंगे? प्रेसिडेंट आएंगे। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं गवर्नर्स, जो भी स्टेट के गवर्नर्स हैं वो आते हैं, फिर फिफ्थ आते हैं एक्स पीएम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं वो आते हैं, उसके बाद आते हैं अगर कोई हमारे वाइस या सब कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनको उप प्रधानमंत्री हम कहते हैं वो, और उसके बाद आता है सेवंथ नंबर। ठीक है, मतलब ये वरीयता का क्रम है। ठीक है, सेवंथ नंबर पर आपके आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर या फिर चेयरमैन, मतलब लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके मेंबर्स। ठीक है, उसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसको भी कैबिनेट के मंत्रियों की जितनी इज्जत मिलती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंडिया में। ठीक है, एक नेता तय किया जाता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और यहीं पर आते हैं कौन? जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं। ठीक है, जिसको भारत रत्न मिला है वो लोग का ऑर्डर कौन सा है वरीयता के क्रम में, याद रखना है उनका ऑर्डर है सेवंथ। ठीक है, तो भारत रत्न अवार्डीज को वारंट प्रेसिडेंट में या वरीयता के क्रम में सातवें नंबर पे रखा जाता है, मतलब ये जो कैबिनेट के मंत्री है ना उस लेवल के आदमी माने जाते हैं वारंट प्रेसिडेंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए इस पे हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिकल 18 के अंदर ही आता है। क्या भारत रत्न किसी नॉन इंडियन को दिया जा सकता है? तो वैसे औपचारिक प्रावधान ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन इंडियन को दे सकते हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है ये, बट कुछ जो आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो क्या है, मदर टेरेसा को मिला है। ठीक है, इनको तो हम क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा, इनको तो हम इंडिया के नेचुरल सिटीजन ही बोल देते हैं। ठीक है, और दो जो हैं वो, एक तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान का आपने नाम सुना होगा, देन अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये अब्दुल गफ्फार खान इंडिया में पैदा हुए थे, ब्रिटिश इंडिया में, और बाद में पाकिस्तान चले गए थे, बट इनको भी मिला था। और एक दक्षिण अफ्रीका के जो सिटीजन थे स्कॉलर नेल्सन मंडेला, उनको मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न मिला है। तो दो आपके फॉरनर, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा के लिए हम यूज करते हैं नेचुरल सिटीजन, ठीक है, प्राकृतिक नागरिक। तो इस तरीके से तीन जो है वो इनको मिले हैं। ठीक है, तो अभी कुल मिला करके आपके जो अभी वाले अवार्ड दिए गए हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। दो तो पीवी नरसिंह राव हो गया, चौधरी चरण सिंह हो गया, स्वामीनाथन हो गए, और एक लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो उनके लिए पहले ही घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी 53, याद मत रखना, कुल मिला करके क्या 53 जो है वो अभी तक आपको अवार्ड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक हो गया ना, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है, ये ऑल अबाउट द भारत रत्न है, इधर से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैंने कहा एक बार, क्योंकि आर्टिकल 18(1) में ही आता है, तो हमने लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे कवर कर ही दिए हैं भारत रत्न से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी मनी वगैरह इसके लिए नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्या नॉन इंडियंस को मिल सकता है, सिटीजन को मिल तो नहीं सकता पर मिला जरूर है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई लीगली लिखा हुआ नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं, जो इसके लिए आपका पूरा एक गाइडलाइन बनती है उसमें लिखा है। अब उसमें तो ये भी लिखा था मैक्सिमम 3 है, बट 2 बार ऐसा हो गया है। चलिए आगे बढ़े, देन आर्टिकल 18 जो है वो भी आपका क्या है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज योर आर्टिकल 19, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 19 काफी विशेष आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम से, स्वतंत्रता से, समानता बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, समानता की बात खत्म, अब जो आर्टिकल है वो क्या है आपका, इट इज अबाउट फ्रीडम। ठीक है, समानता या इक्वालिटी जो है वो एक तरफ है, और जो आपको फ्रीडम मिलेगी वो एक तरफ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अलग है, और स्वतंत्रता के अधिकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आपको आर्टिकल्स का पार्टीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B इस तरीके से आपको मिलेगा आर्टिकल 19 के अंदर, इसीलिए आर्टिकल 19 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपली सेइंग अगर आर्टिकल 19 की ही बात करेंगे तो इसको हम सिंपली कह देते हैं कि ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, फ्रीडम देता है। ठीक है, मगर यहाँ पे सिंपली लिखूं तो इट गिव्स यू फ्रीडम, आर्टिकल 19 गिव्स यू फ्रीडम या स्वतंत्रता, सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और इसके अंदर क्लोज्ड पोर्शन बहुत ज्यादा है। क्लोज्ड पोर्शन का मतलब हुआ, जैसे हमने कहा आर्टिकल 19(1), ठीक है, तो खाली 19(1) नहीं है, 19(1)A, 19(1)2, 19(1)3 ऐसे चलता है ये। ठीक है, खाली 19(1) नहीं है, 19(1) के अंदर डिविजन है, बहुत सारे डिविजन है। तो अब ये कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, और मतलब जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एक करके पहले शॉर्ट में इनको थोड़ा सा याद दिखाता हूँ, देखते रहना, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, अब इसी क्लॉज 1 के अंदर पार्टीशन होता रहेगा, दैट इज आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B, इसको ही कहते हैं 19(ko), 19(kho), 19(gho), लेकिन ये 19(1) के अंदर ही रहेगा। आर्टिकल 19(1) मेन हो गया, क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। ठीक है, आर्टिकल 19(1)A पहला आर्टिकल जो है आपका वो किसकी बात करता है, ये बात करता है आपका क्या, स्पीच की, फ्री स्पीच, फ्री स्पीच, सुनते रहो, फ्री स्पीच का मतलब है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में जाऊंगा। आर्टिकल 19(1)B, ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको, 19(1) एक बार याद रख लो, उसके अंदर आ गया A, फ्री स्पीच, B कहता है अगर आप बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरीके से चाहें तो आप इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, इट गिव्स यू द राइट टू असेंबल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सम्मेलन का अधिकार, फ्री स्पीच या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और हथियार रहित, बिना हथियारों के पीसफुली आप असेंबल भी हो सकते हैं, आपको एक जगह ग्रुप बना के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मिलती है। सी आपको देता है क्या, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, सुनते रहो, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। अब ये एसोसिएशन कौन कौन से हैं सर, आप संगम, संघ, पार्टी, सहकारी समिति, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 19(1)D ये किसके बारे में बात करता है सर, आप इंडिया के किसी भी इलाके में फ्री हो मूव करने के लिए, जाने के लिए, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण आप कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया, आर्टिकल 19(1)E ऐसे याद रखते हैं इसको, आर्टिकल 19(1)E ये क्या कहता है, अगर आप इंडिया में कहीं घूमने गए हो और आपका मन हुआ वहीं रह जाएं, आप वहां पर्टिकुलर परमानेंट रेजिडेंस भी कर सकते हो, रिसाइड भी कर सकते हो, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और वहीं बस जाने की आपको स्वतंत्रता है, आपको नहीं रोका जाएगा। ठीक है,
अगला आता है आर्टिकल 19(1)(f), इसको आपको एलिमिनेट करना है बाद में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से ये भी हट गया था, मैंने पहले भी आपको एक आर्टिकल बताया हुआ है। ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, तो पहले आपको राइट टू प्रॉपर्टी था, इतना भी प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, वो हट गया है अब, ठीक है। अगला आएगा क्या, आर्टिकल 19(1)(g), और इसमें क्या है, यू आर फ्री टू डू बिजनेस, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आपको बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये स्वतंत्रताएं तो दे दी गई हैं, लेकिन इन सारी स्वतंत्रताओं पे कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा दी है। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको रोका जा सकता है। मतलब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आर्टिकल 19(1)(a) आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 19(2) इसी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। किन किन परिस्थितियों में आप नहीं बोल सकते, वो लिखा है 19(2) में। आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो 19(1)(a) के हिसाब से, लेकिन कब नहीं बोल सकते वो 19(2) में है। आप बिल्कुल शांतिपूर्ण, हथियार रहित तरीके से सम्मेलन कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, बहुत बड़ी भीड़ बुला सकते हो, लेकिन 19(3) में कुछ ऐसी परिस्थितियां लिख दी गई हैं जिनमें आपका ये अधिकार काम नहीं आएगा। ऐसे ही एसोसिएशन बनाने के लिए आप बिल्कुल एसोसिएशन बनाओ, लेकिन 19(4) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस मैं लगा रहा हूँ ना, इन पे ध्यान रखना। आपका इंडिया में जहां जाने का मन है, जहां रहने का मन है, धूमधाम से जाओ, लेकिन 19(5) को पढ़ने के बाद, 19(5) में रेस्ट्रिक्शन है आपके मूव और रेसाइड करने पर, और बिजनेस खोलने पर जो आपका रेस्ट्रिक्शन है वो है 19(6) में। जैसे मैं इन आर्टिकल्स को दोबारा बताऊंगा, बट पहले मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हो रहा है। मतलब आपको बोलने, जमा होने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इन्हीं स्वतंत्रताओं पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन, और ये रेस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे सरकार का मन किया और उसने आपको बोलने से रोक दिया, नहीं नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के लिए बड़ा ही प्यारा वर्ड आता है, युक्तियुक्त निर्बंधन। मतलब कारण सही होना चाहिए, आपको बोलने से रोक रहे हैं ना, तो क्यों रोक रहे हैं उसका एक लेजिट रीजन होना चाहिए कि हाँ सर ये कारण है इसलिए आपको रोक रहे हैं, ठीक है, वरना नहीं रोका जा सकता आपको, ठीक है। ये फ्री स्पीच, असेंबल होने से भी आपको रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खास तरीके से काम करना पड़ेगा कि इन्हीं परिस्थितियों में आपको रोका जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, आपको इन सबको ऑर्डर में याद भी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल लिख दिया। इसके लिए आप जो तरीका या ट्रिक बनाना चाहो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूव, या मूव के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, तो SAATRP इसको कह सकते हो आप, क्या मतलब जैसे आप बनाना चाहो। कई जगह पे इसके लिए आपको 100 MRP भी मिलता है। 100 MRP कैसे है देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीच, असेंबल, यूनियन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है ना, स्पीच, असेंबल, यूनियन, मूवमेंट, रिसाइड, प्रॉपर्टी, 100 MRP बिजनेस कह दो उसके बाद, 100 MRP बिजनेस। तो जो भी आप ट्रिक बनाना चाहो अपने हिसाब से बना लो, बट एक ट्रिक बना के इसको याद कर लेना। 100 MRP बिजनेस भी है, SAATRP भी है, देखो स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, TRP, ट्रांसपोर्ट, रिसाइड, प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में बिजनेस, ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब इट्स ऑल अप टू यू, जो ट्रिक बनानी हो वो बनाओ, याद कर लो बस, ठीक हो गया। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको आर्टिकल 19(1), 19(2) सब बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, आप जो बोलना चाहो वो बिल्कुल बोल सकते हो। 19(1) आपको ये आजादी देता है, लेकिन 19(2) इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। मैं ये सारी रेस्ट्रिक्शंस आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी के लिए मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको देके समझाना चाह रहा हूँ कि ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई। देखो 19(2) आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, आपको जैसा आपका मन है, जो भी आपका बोलने का विचार है, आप भाषण देना चाह रहे हो बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन आप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसके अंदर आता है राज्य की सुरक्षा के नाम पर रेस्ट्रिक्शन। मैं सबसे कॉमन रेस्ट्रिक्शन लेता हूं, जिसे हम कहते हैं न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं सुनना,
19(1)(1)(a) में लिखा गया है कि किसी भी नागरिक को भारत में अपनी बात रखने, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन 19(2) में लिखा गया है, परंतु आपकी उस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बोलने से न्यायालय की अवमानना होती है, ठीक है, अगर आपके बोलने की वजह से न्यायालय की अवमानना होती है तो आपकी फ्री स्पीच का अधिकार छीना जा सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि आपको बोलने की आजादी दी गई है, आप न्यायालय के बारे में गलत गलत नहीं बोलोगे। इसका एक और बड़ा सिंपल आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मानहानि है। मानहानि भी 19(2) में लिखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको बोलने की आजादी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पड़ोसी के दरवाजे के सामने जाकर उसे गालियां देना शुरू कर दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उसकी मानहानि करते हो। तो आपके बोलने की स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसकी वजह से, मानहानि की वजह से। किसी और को गाली देने के लिए आप नहीं बोल सकते। ऐसे लोक व्यवस्था भी इसके अंदर आता है, ठीक है। अब देखो, जैसे अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या लिखा है, आप शांतिपूर्व कहीं पर भी क्या हो सकते हैं, शांतिपूर्वक आप मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है 19(3) के अंदर, और इसमें लिख दिया है कि आप कहीं भी इकट्ठा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। संप्रभुता और अखंडता पर अगर खतरा होगा तो आपको मना किया जा सकता है, या लोक व्यवस्था के नाम पर आपको मना किया जा सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा ना, आपने सुना होगा क्या कि सरकार धारा 144 लगा के लोगों को इकट्ठा होने से रोक देती है। तो आप कह सकते हैं, सर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी है, तो फिर हमें तो जमा होने देना चाहिए। लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपसे, आपके इकट्ठा होने से लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस वजह से आपको रोका गया है। या आप भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए जमा हो जाएंगे तो आपको रोका जा सकता है, क्योंकि इससे संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे 19(4) है, 19(4) में आप बिल्कुल एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन एसोसिएशन ऐसा बनाओ जिससे सदाचार ना खराब हो, जिसको हम आइडियल बिहेवियर कहते हैं, वो खराब नहीं होना चाहिए। इसका जैसे कॉमन एग्जांपल अगर हम कोई लेने की कोशिश करें, तो मान लो कि आपने एक समिति बनाई, ठीक है, आपने कहा हम एक कमिटी बनाते हैं, ऑल इंडिया एल्कोहल ड्रिंकर्स एसोसिएशन, सारे शराब पीने वाले शराबियों का एक संघ बनाते हैं। तो ऐसा संघ बनाने की आपको आज़ादी मिलनी चाहिए क्या? नहीं। तो सदाचार के बेसिस पे आपको संघ बनाने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। या भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है, आपने कहा हम इंडिया में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, तो उसके लिए आपको रोका जा सकता है, ठीक है। ऐसे देखो, इंडिया में आप जहाँ चाहें घूमना वगैरह कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है कि भैया आपके घूमने, आपके वहाँ रहने की वजह से वहाँ की अनुसूचित जनजातियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को खतरा नहीं होना चाहिए। तो अगर शेड्यूल ट्राइब्स को खतरा है तो आपको रोका जा सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, उत्तराखंड के कई इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में रहने और जाने की आज़ादी नहीं है, वहाँ के लिए आपको अलग से क्या परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। ऐसे देखो 19(6), आपको बिजनेस करने की तो स्वतंत्रता है, ठीक है, आप जो चाहो जैसे चाहो आप बिजनेस करो, आजीविका करो, लेकिन आपका जो व्यवसाय है वो व्यवसाय वैध होना चाहिए, लीगल व्यवसाय होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन है आपकी, ठीक है। आप बिल्कुल व्यवसाय करो, व्यवसाय करने पे आपको रोक नहीं है, लेकिन आपका जो व्यवसाय है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप कल को ये कहने लग जाओ कि यार ठीक है, मुझे तो व्यवसाय करने की छूट है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अल्कोहल बना के बेचता हूँ, या मैं अफीम की खेती करता हूँ, अफीम बेचूंगा, वो आप नहीं कर सकते। दिस इज इन रेस्ट्रिक्शन ओवर यू, ठीक है। मतलब आप पर क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल 19 में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, और आर्टिकल 19 में ही उन अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। तो हम एक एक करके आर्टिकल्स भी समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो रोक या रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। क्लियर? चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 19(1), और आर्टिकल 19(1) के अंदर तो मतलब काफी सारे आपके केसेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1) में केवल आपका या व्यक्ति के बोलने की स्वतंत्रता नहीं आती है, प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, ठीक है। प्रेस क्या बोल रही है या मीडिया क्या लिख रही है, वो सब आर्टिकल 19(1)(a) में आता है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 19(1)(a), (b), (c), (d) सारे याद रखने हैं। वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1), तो ये हो गई आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंदर हम जाएंगे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, जो आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, दो आजादियां आपको देता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पीच, आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, आप अपने विचारों को कहीं भी रख सकते हैं और आपको बोलने की आजादी है, ठीक है।
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस आपको आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। क्लियर? अब देखो, जो आपको आर्टिकल 19(1) ए में ये छूट दी गई है बोलने की, इसमें कौन कौन सी बाकी चीजें शामिल है वो भी देखते रहो। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको बोलने की, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता तो दी ही गई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं इसके अंदर आती है। जैसे इसी आर्टिकल 19(1) ए में राइट टू साइलेंस भी आता है, जिसे हम कहते हैं चुप रहने का अधिकार। तो आप अगर बोलना नहीं चाह रहे हैं तो आपको चुप रहने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, जैसे इसका इस्तेमाल कई बार आपने देखा होगा अमेरिकन्स में तो क्लियरली लिखा हुआ है, भारत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं बोलना चाह रहे पुलिस के सामने तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट में जाके ऐसा नहीं करना होता है कि जज ने पूछा और आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वहां चुप रहने का अधिकार अधिकार की तरह काम नहीं करेगा, बाकी जगह चुप रहने का अधिकार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे नेशनल फ्लैग है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको आप अपने घर या अपने ऑफिस में फहराना चाह रहे हैं तो इसको फहराने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 19(1) ए के अंदर ही मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हड़ताल का आह्वान करते हैं या बंद का आह्वान करते हैं, या आप मुंह से बोल कर ही तो करेंगे ना, हम बंद की घोषणा करते हैं तो बंद या हड़ताल जो है उसमें से आप हड़ताल तो कर सकते हैं, हड़ताल का आह्वान कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब कह सकते हैं कि हम इस कारण से क्या करना चाह रहे हैं, हड़ताल का आह्वान करते हैं, लेकिन आप बंद का आह्वान नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहेंगे हम इस वजह से भारत बंद की घोषणा करते हैं, तो उस केस में अगर आप बंद की घोषणा करते हैं तो कानूनी कार्यवाही आप पर हो सकती है, बंद की घोषणा अधिकार नहीं है। ठीक है, बंद की घोषणा करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि आपने कई बार देखा होगा कई लोग बंद की घोषणा कर भी देते हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही भी नहीं होती है, बट ठीक है, वो डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत एक रिस्पेक्ट करके छोड़ देते हैं। आप हड़ताल की घोषणा कर सकते हो, ठीक है, आप कह सकते हो कि पूरा कल गाड़ी वालों की हड़ताल रहेगी, पर बंद की घोषणा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि बंद से बाकियों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19(1) ए के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में शामिल है, 19(1) एक में ही शामिल है। ठीक है, तो प्रेस को जो है वो अलग से कोई अधिकार नहीं है, जो एक आम नागरिक को अधिकार है वही अधिकार प्रेस को भी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जानने का अधिकार, राइट टू नो, क्या राइट टू नो, जानने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 19(1) ए के अंदर आता है। अच्छा, ये सर जानने का अधिकार क्या है, तो आपने कभी सुना या यूज किया हो सकता है, इसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। ठीक है, वैसे इस पे भी पॉलिटिक्स है, 2002 में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम आ गया था, पर उसको बाद में यूपीए ने हटा के दूसरा एक्ट लेकर के आए और उसका नाम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम। तो बेसिकली इसमें भी पॉलिटिक्स थी बट एक्ट सेम था। अच्छा, इसी के अंदर क्या आता है पता है आपका, आपने अगर कभी देखा हो तो जो आपके कैंडिडेट होते हैं अभी चुनाव में भी, उन्होंने एक नामांकन पत्र भरा होगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपको सारे नेताओं के नामांकन पत्र मिल जाएंगे। ये जो नामांकन पत्र हैं, ये नामांकन पत्र भी आपकी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे राइट टू नो है, तो मैं कौन से लीडर को चुनूंगा उसको जानने का अधिकार मुझे दिया गया है, तो वो जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नामांकन पत्र दाखिल जो किए हैं उन्होंने उसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे चुप रहने का अधिकार आपका 19(1) एक में आता है। ठीक है, तो ये चुप रहने का अधिकार, ये पता कैसे चला, इसके बारे में कैसे बात हुई, ये आता है इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1986 का हुआ था, जिसमें इमैनुअल जो है इन्होंने केस किया था कि मैं जो है आपका राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, इसको राष्ट्रगान का मामला कहते हैं। तो उसी में कहा गया कि हाँ, आप नहीं गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जैसे आप गाने के लिए स्वतंत्र हैं वैसे आप नहीं गाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ऐसे जो नेशनल फ्लैग वाला केस आया था कि हम अपने घर पे अपने ऑफिस में आपका नेशनल फ्लैग लहरा सकते हैं या नहीं लहरा सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आया था नवीन जिंदल केस। ठीक है, इसके लिए भी एक केस था, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नवीन जिंदल केस। ठीक है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ का केस था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस 2008 का, 2008 में ये केस आया था, और ये कहा गया था कि हाँ, आप अपने कार्यालय में अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ठीक है, ये बंद और हड़ताल का आह्वान करना,
ये केस आया था आपका भरत कुमार भरत कुमार वर्सेस सीपीआई मार्क्सिस्ट, भरत कुमार वर्सेस सीपीआई मार्क्सिस्ट जो केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था आपका कि बंद का जो आह्वान है वो नहीं किया जा सकता है, हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड तो दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, ठीक है, जैसे एक है साकल पेपर्स लिमिटेड, साकल पेपर्स लिमिटेड, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक केस तो आपका यही था, वेट ऑन, देखो एक केस क्या था, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या है ना, पेपर जो होते हैं अखबार वगैरह वाले उसकी कॉस्ट बढ़ा दी थी सरकार ने मीडिया या प्रेस पर दबाव बनाने के लिए, तो साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962, इसमें कहा गया था कि जो प्रेस है उसको जनता से अलग अधिकार नहीं मिलेंगे, जैसा एक आदमी को अधिकार है वैसे ही आपको जनता को भी मिलेंगे। ऐसे क्या हुआ था, एक केस आया था इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, ये 1985 का केस था, इसमें राइट टू नो जो है वो आपका जनता का अधिकार है, तो इसमें क्या है, अगर न्यूज वाले किसी सरकारी ऑफिस से कोई जानकारी मांगते हैं तो देनी पड़ती थी, और फिर बाद में इसी का क्या कर दिया गया, राइट टू नो के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन ले आया गया, तो फिर उसी को वहां से शिफ्ट करके यहाँ भेज दिया, या कोई भी आम आदमी क्या कर सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता है, सूचना का अधिकार कर सकता है। ब्रिटिश के टाइम पे ना ये एक्ट हुआ करता था, क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कहते थे उसको, तो अंग्रेज क्या करते थे ना, इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का यूज करके किसी को भी दिखाने से मना कर देते थे सूचनाएं, तो उसी को टैकल डाउन करने के लिए बाद में इंडियन गवर्नमेंट क्या लेकर के आई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक्ट है, ठीक हो गया। और एक ऐसे ही मतदाता सूचना पत्र जो है, मतदाताओं को सूचना का अधिकार है वो है, ये जो नामांकन पत्र दाखिल करने वाला है ना, ये भी केस था, इसमें क्या हुआ था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है, इसके अंदर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है ना एक्ट, ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसके अंदर 33B जो है उसके अंदर ये बात रखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया 33B जो है वो इलीगल है, नल एंड वॉइड है, ठीक है, जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो था उसमें लिखा हुआ था कि बताना जरूरी नहीं है, तो उसको हटा दिया गया था, ठीक है। और इस आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपको इतने सारे अधिकार तो मिल गए, तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, बताया ना मैंने आपको, रोका गया है बहुत सारी जगहों पर, तो ये रेस्ट्रिक्शंस किस में लिखी गई है, आर्टिकल 19(2) के अंदर। 19(1)(a) में क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेस की आजादी, 19(2) में उसी पर रेस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, अब ये रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, वन बाय वन देखते रहो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी पॉलिटी के अंदर आपको 2-3 बार रिवीजन इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है, कंसेप्ट भी है, रिलेट करना पड़ता है, ठीक है, आराम से रिलेट करते हुए समझो। पहला क्या दिया गया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो इन केस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सरकार चाहे तो आपके बोलने की आज़ादी छीन सकती है। मतलब क्या आप मीडिया में आके ये नहीं कह सकते हो कि भैया मुझे देश के सारे सीक्रेट पता है, मैं सब बता दूंगा, सरकार चाहे तो आपको रोक सकती है। दूसरा, अगर आपके बोलने से किसी फॉरेन कंट्री से हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं तो सरकार आपको रोक सकती है, फॉरेन कंट्रीज रिलेशन, ठीक है, मतलब आप रोज टीवी पे आके, अपना यूट्यूब चैनल पे आके यूएसए को गालियां दिए जा रहे हो तो सरकार आपको रोक सकती है क्योंकि आपके बोलने से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। उसके अलावा एक आता है पब्लिक ऑर्डर, मतलब अगर आपके बोलने से लोक व्यवस्था खराब हो रही हो तो भी सरकार आपको रोक सकती है, ठीक है। उसके अलावा शिष्टाचार या एथिक्स या सदाचार जिसको हम कहते हैं, मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप कुछ भी गलत सलत बोले जा रहे हो, एथिक्स या एथिकल वैल्यूज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एथिकल बोलना पड़ेगा। पांचवी रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपकी अवमानना, कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना करने का अधिकार आपको नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ भी बोल सकते हो आप अवमानना जो है कोर्ट की वो नहीं करोगे। दूसरा, आप किसी की मानहानि नहीं करोगे, ठीक है, किसी व्यक्तिगत आदमी के ऊपर आप लांछन नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपके बोलने से अपराध उद्दीपन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसकी वजह से कोई क्राइम हो जाए, ठीक है, अपराध उद्दीपन आप नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज आपकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, संप्रभुता व अखंडता को आपकी वजह से खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और इतना फैक्ट है, मतलब आपको इतनी बार रिवीजन करना पड़ेगा, जैसे राज्य की सुरक्षा ऑलरेडी था लेकिन फॉरेन कंट्रीज से रिलेशन को पहले संविधान संशोधन 1951 से ऐड किया गया है, ठीक है। लोक व्यवस्था को भी सेम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के बाद ऐड किया गया, पहले ये इसमें नहीं था, ठीक है। ऐसे ही अपराध उद्दीपन को भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो तीन चीजें, क्या विदेशी राज्यों से रिश्ते, पब्लिक ऑर्डर और अपराध उद्दीपन पहले नहीं थे, बाद में ऐड किए गए। ऐसे ही एक और, क्या संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसको 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 16वां संविधान संशोधन 1963 से ऐड किया गया। तो ओरिजिनली केवल अवमानना, मानहानि, एथिक्स और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था, बाद में तीन जोड़े फिर एक और जोड़ा, तो कुल मिला के अभी आपके बोलने पर 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप बोल सकते हो जो बोलना चाहो, इन 8 को दिमाग में रखने के बाद ही बोलना, बस सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट क्या कह रही है आपसे कि आपको जो बोलना है बोलो, पर इन 8 चीजों को ध्यान में रख के बोलना। पर आप ही नहीं, ये सेम रेस्ट्रिक्शंस मीडिया पर भी हैं, मीडिया भी इन 8 चीजों को दिमाग में रख के बोलेगी। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो NDTV पर एक दिन का बैन लगा दिया गया था, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे खतरा आ गया था। ताज होटल पे जो हमला हुआ था उसकी उन्होंने लाइव विजुअल्स दिखा दी थी, तो उसका क्या हो रहा था, आतंकवादी उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ था, हमारी जो लोकेशंस हैं बॉर्डर पे वो दिखाने लग गए थे। तो अब आप देखोगे कि आजकल बॉर्डर की लोकेशंस मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 19(1) और 19(2) की कहानी है, 19(1) और 19(2). कल हम लोग 19 के अंदर लगभग जितने पार्ट हैं वो सारे कवर कर लेंगे, विल एंड अप विद दिस, और कल हम इसको क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। किसी को आज वाले में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जैसे हमने आज फंडामेंटल राइट्स के अंदर 17, 18, 19 का पहला पोर्शन कवर कर दिया, 19 के वैसे मैंने आपको सारे एक बार के लिए बता दिए हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे 19 वाला एक दिन में मैं पूरा करवा दूंगा। 17, 18, 19, 19 के अंदर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हमने कवर किए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है तो ध्यान रखना कि ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटने पड़ेंगे, ठीक है। और रटना क्या है, हल्का हल्का समझ भी लोगे तो भी चलेगा, बट ये केसेस के नाम किससे रिलेटेड है ये याद रख लेना बस, ठीक है। केसेस आर रिलेटेड विद द पर्टिकुलर थिंग्स, उनको पर्टिकुलरली याद करोगे तो बेटर रहेगा। और ये 8 के 8 याद रखने हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मतलब ऐसे नहीं रटने होते हैं। इसमें क्या होगा ना, आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन यूर राइट टू स्पीच, निम्न में से कौन आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 4 चीजें, ये अगर 8 चीजें आपको याद होंगी तो जो नहीं है वो वाला आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी, मतलब आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। जैसे इसमें सब कुछ लिखा होगा, सिक्योरिटी एंड स्टेट हो गया, एथिक्स हो गए, और एक हो गया आपका क्या, मानहानि हो गया, और एक आपका जोड़ दिया मान लो उन्होंने SC ST सेंटीमेंट, तो SC ST सेंटीमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसे, ठीक है। होप सो गाइस आज का जो पोर्शन है वो क्लियर होगा हमारा, ठीक है।